दोस्तों अगर अभी आप एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ कर रहे हो एंड दोस्तों आप लोगों ने अब डिसीजन ले लिया है कि आपको एंड्रॉयड से अब आपको iOS पे शिफ्ट करनी है, तो उससे पहले मैं दोस्तों बस एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, आज की इस वीडियो को आप मिस मत करना, आज का ये वीडियो को आप एंड तक देख लो। नहीं तो दोस्तों अगर आज आप ये वीडियो को मिस कर देते हो देन जब भी आप iOS पे शिफ्ट करोगे तो दोस्तों आपको बहुत सारे चीज़ जो कि दोस्तों आपको एंड्रॉयड के इकोसिस्टम पे अवेलेबल है वो दोस्तों आपको एप्पल के इकोसिस्टम पे बिल्कुल भी अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है डे टू डे लाइफ में। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो में आप एंड तक बने रहना। तो चले करते हैं वीडियो को फटाक स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। दोस्तों अभी जो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसके हेल्प से दोस्तों अगर आप चाहो तो कोई सा भी मूवीज हो इंटरनेट के हेल्प से डाउनलोड कर सकते हो एंड म्यूज़िक को भी आप इंटरनेट के हेल्प से डाउनलोड कर सकते हो एंड दोस्तों इजीली से अपने फ़ोन में आप उसे प्ले भी कर सकते हो। बट वहीं जहां बात करें iOS के, तो iOS में ऐसा आप कर ही नहीं सकते बिकॉज दोस्तों iOS की कुछ प्राइवेसी की पॉलिसी वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप इंटरनेट से कोई थर्ड पार्टी साइट से आप डायरेक्टली मूवी को डाउनलोड नहीं कर सकते हो। अगर करना भी चाहते हो तो देन दोस्तों आईट्यून में आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे मतलब आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि दोस्तों आप अपने iOS के फोन में डायरेक्टली से कोई भी मूवी को डाउनलोड करके यहाँ पे आप उसे एंजॉय कर सको। एंड साथ ही दोस्तों यहाँ जो आपका एंड्रॉयड फोन था उस पर दोस्तों आप कोई सा भी मोड ऐप को डाउनलोड कर लेते थे एंड दोस्तों इजिली से अपने फोन में उसे चला लेते थे। बट दोस्तों वहीं पर iOS की बात करें तो दोस्तों iOS पे आप कोई सा भी मोड ऐप को इंस्टॉल भी नहीं कर सकते एंड ना ही दोस्तों उसे आप चला सकते हो अपने iOS डिवाइस पे। एंड साथ ही दोस्तों आपका जो एंड्रॉयड फोन था उसमें दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपने कॉल को रिकॉर्ड कर सकते थे। डिफॉल्ट आपको डिवाइस में ही सेटिंग मिलती थी, अगर आप चाहो तो कॉल के ड्यूरेशन में ही आप अपना जो कॉल को रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वहीं पे iOS की बात करें तो वहां पे दोस्तों आपको कोई ऐसा सेटिंग नहीं देखने को मिलता है जहां से दोस्तों आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर सको। एंड वहीं पे आप ऐप स्टोर पे भी जाके ट्राई करो तो वहां पे दोस्तों अगर ऐप आपको मिल भी जाती है तो दोस्तों वहां पे आपको उस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए वहां पे दोस्तों आपको पेड करने पड़ेगी, पैसे पे करनी पड़ेगी मंथ बाय मंथ, देन आप दोस्तों कॉल को रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यह भी मुझे एक बहुत ही बड़ी चीज लगी जो कि दोस्तों हमें एंड्रॉइड में देखने को मिलती है एंड iOS में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। एंड साथ ही दोस्तों आपका जो एंड्रॉइड फोन था वहां पे दोस्तों आप अपना सेलुलर नेटवर्क के हेल्प से दोस्तों आप किसी को भी डायरेक्टली से वीडियो कॉल कर सकते थे। बट दोस्तों वहीं पे iOS की बात करें तो दोस्तों iOS पे आप किसी को भी डायरेक्टली वीडियो कॉल नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते तो ऐसे ही पर्सन को कर सकते हो जिसके पास दोस्तों ऑलरेडी से आईफोन है, तो आईफोन ही आप वीडियो कॉल कर सकते हो। एंड जैसे अगर आप चाहते हो आपके पास iOS फोन है एंड एंड्रॉइड वाले को आप वीडियो कॉल कर सको तो वो भी आपको वहां पे पॉसिबल नहीं है। हाँ हालांकि दोस्तों आप WhatsApp के जरिए, Facebook के जरिए वो उस तरह से आप डायरेक्टली से वीडियो कॉल कर सकते हो। दोस्तों डायरेक्टली से अगर आप चाहो कि वीडियो कॉल कर दो किसी एंड्रॉयड वाले बंदे के तो वहां पे ये भी पॉसिबल आपको नहीं देखने को मिलेगी। एंड साथ ही दोस्तों आपका जो एंड्रॉयड फोन था उसमें दोस्तों अगर आप चाहो तो ऐसे बहुत सारे अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसे आप सेव नहीं करना चाहते हो, बस दोस्तों आपको उसके साथ एक दिन दो दिन का काम है तो दोस्तों वहां पे आप उसे रिसेंट में रख देते थे कि आपको जब भी उसे जरूरत पड़ता था आप रिसेंट से उसे निकाल के फिर उसे आप कॉल बैक कर सकते थे। बट दोस्तों वहां पे जो iOS की बात करें तो iOS में दोस्तों आपको ज्यादा लंबी दिन का यहां पे आपको कोई हिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगी, यहां पे आपको दो दिन चार दिन तक का यहां पे आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी। एंड आपके मन में यहां पे एक सवाल और होगा कि भाई मैं ट्रू कॉलर को इंस्टॉल कर लूंगा iOS में, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, iOS में तो आपको ट्रू कॉलर देखने को मिल जाएगी पर दोस्तों यहां पे iOS के साथ उतनी अच्छी सी ऑप्टिमाइज नहीं हो पाई है ट्रू कॉलर, तो दोस्तों वहां पे आपको बहुत सारे बग्स देखने को मिलेगी, वहां पे आपको बहुत सारे बग्स लाइक जैसे कि दोस्तों आपको वहां पे अच्छी तरह से कॉल आईडी नहीं देखने को मिलेगी, इसी तरह के बहुत सारे बग्स आपको देखने को मिलेगी। मतलब एक लैंग्वेज बता तो अच्छी तरह से वो ऑप्टिमाइज नहीं है ट्रू कॉलर जो है वो iOS के साथ। एंड दोस्तों एक और जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बनने वाली है, दोस्तों आप कोई सा भी iOS का फोन खरीदोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो पुराना डिवाइस है आपका एंड्रॉइड उससे आप ट्रांसफर करना चाहोगे सभी डाटा आपके नए iOS फोन में। तो बेसिकली होता क्या, जो यहाँ पे आपका एंड्रॉइड फोन है वहां पे दोस्तों अलग एक गूगल ड्राइव होता है एंड दोस्तों आपका एप्पल फोन जो होता है वहां पे आई क्लाउड होता है, तो वहां पे दोस्तों यहाँ पे इस ड्राइव से उस ड्राइव करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों ड्राइव टू ड्राइव अगर आप गूगल ड्राइव टू गूगल ड्राइव करोगे तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, वहीं पे आई क्लाउड ड्राइव से आप दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड पे शेयर करना चाहोगे तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। आप अगर नॉन टेक्निकल आदमी हो, आपको दोस्तों यहाँ पे टेक पे उतना नॉलेज नहीं है, देन आपको दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अपने डाटा को ट्रांसफर करने में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको आई क्लाउड
में बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जिससे कि दोस्तों आप एंड्रॉयड से अपना सारा डाटा को iOS में शिफ्ट कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आप उस ऐप को इंस्टॉल करना चाहोगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, बिकॉज दोस्तों वो सब ऐप पेड ऐप होते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। एंड व्हाट्सएप का भी जो डाटा होता है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो व्हाट्सएप का भी अगर डाटा आप ट्रांसफर करना चाहो iOS में तो दोस्तों वहाँ पे भी दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो आपका एंड्रॉयड फोन था वहाँ पे दोस्तों आपको दो नैनो सिम तक का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता, वहीं पर iOS में दोस्तों आपको बस एक सिंगल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिला, वो ना ही कोई आपको SD कार्ड का स्टोरेज देखने को मिला। जो ही दोस्तों आपके फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज है बस उतना ही स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी, ना ही दोस्तों आपको एक्सटर्नल कोई चिप आपको इंसर्ट करने के लिए उसमें ऑप्शन देखने को मिलेगी। ये भी दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी iOS के फ़ोन में। एंड दोस्तों यहाँ पे जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन था उसमें आपको फाइल मैनेजर देखने को मिलती है। दोस्तों एक चीज़ आप जरूर फाइल मैनेजर में देखा होगा, दोस्तों आप कहीं से भी वीडियो को डाउनलोड करो, चाहे दोस्तों आप किसी के फ़ोन से आप वीडियो ही लो, न तो सभी वीडियो को दोस्तों ये एक कॉलम एक वीडियो फोल्डर में उसे अपने आप समेट के रख देती थी। एंड जैसे ही आप म्यूज़िक को डाउनलोड करो तो एक अलग सी म्यूज़िक की फोल्डर बना के उसे अच्छी तरह से वहाँ पर रख लेती थी। दोस्तों वहीं पर iOS की बात करें तो iOS का जो फाइल मैनेजर है वहाँ पर दोस्तों आपको ऐसी कुछ देखने को नहीं मिलेगी। आप जैसे ही कुछ चीज़ लो तो आपको खुद से फोल्डर क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड दोस्तों देन आप उसे दोस्तों यहाँ पे आप फोल्डर बना के फिर वीडियो जो भी आपका वीडियो तो आप उसे वीडियो के फोल्डर में रखो, जो भी म्यूजिक है आप उसे म्यूजिक के फोल्डर में रखो। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लगती है, तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो लगी iOS के फ़ोन में एंड्रॉयड फोन के कंपेयर। एंड दोस्तों जब फ्यूचर में आप iOS पे शिफ्ट करोगे, जैसे कि एंड्रॉयड में आपने देखा होगा कि प्ले स्टोर आप कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल फ्री में देखने को मिल जाती थी। यही भी बात करें iOS की, जब आप फ्यूचर में iOS डिवाइस खरीदोगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको ऐप स्टोर देखने को मिलेगी, एंड ऐप स्टोर में दोस्तों मोस्टली जो ऐप्स होते हैं दोस्तों वो पेड ही होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि फ्री ऐप आपको देखने को नहीं मिलती है, मिलती है, जैसे मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस तरह का जो बहुत ही रेगुलर यूज़ में आता है, जो कि कॉमन यूज़ में आता है, वो सब आपको फ्री देखने को मिलेगी। बट दोस्तों और भी जो ऐप्स है जो कि दोस्तों आपको प्ले स्टोर में फ्री देखने को मिलती है, वो भी दोस्तों ऐप स्टोर में उसके लिए आपको मंथली से पैसे पे करने पड़ सकती है। एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो कि दोस्तों आपको एंड्रॉयड फ़ोन में देखने को मिलती है, एंड दोस्तों iOS में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि दोस्तों AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एंड दोस्तों क्लिक बोर्ड, जैसे कि दोस्तों आप किसी भी चीज़ को कॉपी करके आप अपने क्लिक बोर्ड में सेव कर लेते हो, दोस्तों वहाँ पर आपको क्लिक बोर्ड iOS के फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों मल्टी विंडो, स्प्लिट स्क्रीन, इसी तरह के और भी जो छोटी छोटी चीज़ होती है जो दोस्तों बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे लिए, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे iOS के फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि दोस्तों आप तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है iOS के फ़ोन में, फिर भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि दोस्तों हमें iOS के फ़ोन में देखने को नहीं मिलती है। सो दोस्तों यही कुछ चीज़ थी जो मेरी एक्सपीरियंस से लगता है जो कि दोस्तों आपको एंड्रॉयड फ़ोन में देखने को मिलती है, एंड दोस्तों आपको iOS के फ़ोन में नहीं देखने को मिलती है। सो दोस्तों अगर आप iOS पे शिफ्ट करना चाहो एंड्रॉयड से, देन दोस्तों ये सब पॉइंट को आप एक बार देख लेना, क्या ये आप डे टू डे लाइफ में आपको यूज़फुल होती है। एंड दोस्तों अगर आप शो ऑफ करने के लिए जाना चाहते हो iOS पे तो आप आराम से जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर दोस्तों आप उस पर कुछ टास्क करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, आपके काम के सिलसिले में iOS फ़ोन लेना चाहते हो, देन आप दोस्तों ये सब चीज़ जरूर से ज़रूर देख लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है फ्यूचर में, देन आप इसके तरफ जा सकते हो। सो दोस्तों यही कुछ पॉइंट्स है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो दोस्तों तब तक के लिए जल्दी इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।